हेलो गुड इवनिंग एवरीवन जय जवान जय किसान राधे राधे जय श्री कृष्णा मैं प्रियंका रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूं आज अपन मुर्गियों की नस्लें पढ़ने वाले हैं और उनकी नस्लें पढ़ने से पहले जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ स्कॉलरशिप से रिलेटेड है कुछ टेस्ट से रिलेटेड है उन सब के बारे में आपको बता देती हूँ कुछ छोटी सी जानकारी है तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वे बच्चे जो ट्वेल्थ विथ फाउंडेशन करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया था आज का टेस्ट था ये टेस्ट सुबह आठ बजे से चल रहा है और अभी जो है वो शाम के आठ बजे तक चलने वाला है तो जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है जिनकी इच्छा है जो इंटरेस्टेड है ट्वेल्थ के साथ फाउंडेशन कोर्स करने के लिए वो बच्चे इस टेस्ट को अभी भी दे सकते हैं उनके पास अभी भी आधा घंटे का टाइम है वो बचा हुआ है नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला जो है वो जो संडे को जो हर डेली जो टेस्ट होता है स्कॉलरशिप टेस्ट होता है रॉयल संस्थान के द्वारा ये टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है जो रोज सुबह ये स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसके अंदर पाँच मिनट का टेस्ट होता है इसके अंदर जो टॉपर बच्चे हैं उनका नाम मैं आपको बता देती हूँ फर्स्ट टॉपर है वो रामविलास गुज्जर है जिसके अस्सी में से सेवेंटी मार्क्स हैं प्रवीण कुमार है सेकेंड नंबर पे थर्ड रैंक है कुलदीप सिंह राठौड़ फोर्थ रैंक आती है पंकज फिर फिफ्थ रैंक आती है सियारा मीना सिक्स है रक्षिता कुमावत और सेवंथ है उमर फारूक और एट्थ नंबर पर आता है किशन भागर नाइन पर पूजा देवड़ा और टेन नंबर पर टेंथ रैंक है संपत गोदरी तो ये जो है वो इनके स्कॉलरशिप टेस्ट है उसका रिजल्ट है तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं जिन बच्चों को कोर्स लेना है वो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए सुनहरा मौका है रोज ये टेस्ट होता है आपको जरूरी नहीं है कि एक दिन किसी टेस्ट में रैंक नहीं आई तो आप जो है आपके पास काफी लंबा टाइम है कभी भी आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा रोज सुबह ये टेस्ट होता है मॉर्निंग में सिक्स ए एम टू सिक्स फाइव ए एम ये टेस्ट होता है और ये स्कॉलरशिप टेस्ट है इसकी जो आ, टेस्ट होने के बाद जो इसका सोल्यूशन है पेपर सोल्यूशन वो आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन होने के लिए आप हमारा ये टेलीग्राम लिंक है इसको जो है वो आप टेलीग्राम से ऐड हो सकते हैं और इसके अलावा कोई दिक्कत आई तो ये जो नंबर दिए गए हैं आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके कोई भी जानकारी जो आपको लेनी है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं तो ये बात हो गई अपने जो है वो रॉयल संस्थान के कुछ फीचर्स हैं कुछ जो है वो स्कॉलरशिप टेस्ट हैं जिनके बारे में अपन देख लिया है अब अपन अपने टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं अपना जो सिलेबस है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं क्या क्या अपने इसके अंदर मुर्गियों की नस्लें हैं उसके बारे में अपने को पढ़ना है तो देखिए मैम आप पर टेस्ट कैसे देते हैं ऐप पर टेस्ट है वो आप ऐप खोल के देखना बच्चों सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ जाएगी अपन यूट्यूब पे भी क्लास देखते हैं तो अपने को लिंक खोलना पड़ता है उसके बाद अपने आप आगे से आगे प्रोसेस उसमें आती है तो इजीली समझ में आ जाएगा अपने को तो आप एक बार ऐप जो है उसको ऑन करके देखना डाउनलोड करके देखना सारी चीजें आप जो है वो आसानी से समझ आएंगे फिर भी नहीं समझ में आए तो जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं उन पर आप कॉन्टेक्ट करके जो है वो पता कर सकते हैं अब बात करते हैं अपना जो अपना आज का जो टॉपिक है उसके बारे में आज का टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री में अपने मुर्गियों की नस्लें मुर्गियों की नस्लें पढ़ने से पहले बच्चों जल्दी से चैनल जो बच्चे चैनल पे नए हैं आज ही एड हुए हैं वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करें साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें फिर आप अप हम अपनी क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं देखो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है ढाई सौ बच्चे लाइव आ रहे हैं लेकिन लाइक है वो आपके हंड्रेड ही आ रहे हैं फटाफट से लाइक कर दो फिर बहुत सारी नई चीजें आप लोगों को मैं आज इसके बारे में बताने वाली हूँ कुछ ऐसी ट्रिक है बहुत अच्छी ट्रिक्स है आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगी तो मेरा यही इच्छा है कि आप लोगों के साथ साथ आपके जो भी फ्रेंड्स हैं आपके जो भी ब्रदर सिस्टर्स हैं वो सभी इस जो है वो अच्छी ट्रिक को देखें और ज्यादा से ज्यादा जो है वो इसको याद कर सके इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर कीजिए और इसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए फिर अपन अपनी क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं हाँ देखो बढ़ते जा रहे हैं नेक्स्ट बढ़ते जा रहे हैं चलिए जल्दी जल्दी कीजिए फटाफट से कीजिए मैम मैं, मैं धौलपुर से नितिन एस आर चौधरी चटक मटक के पांव चाली बहुत अच्छा लगता है बेटा मुझे आप ऐसा बोलते हो तो वेरी गुड कृष्णा राकेश हमीद नीरज किरण नीरज पूजा वेरी गुड बहुत अच्छा गुड इवनिंग प्रेम शंकर नितिन कुमार मीना एस आर चौधरी फन विद चलो अब बहुत हो गया है विकास गोस्वामी बलदेव राम राम मैम ये क्लास कृषि पर्यवेक्षक के लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी तरह के एग्ज़ाम बता दो आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो चाहे जेट का एग्जाम हो चाहे आईसीआर का हो चाहे बी का एग्जाम हो इसके अलावा अदर कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो जिसके अंदर मुर्गियों की नस्लें पूछी जाती है उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये क्लास तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को जो है वो आप लोग देखें शेयर करें लाइक करें चलिए अब अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ से हाँ बच्चों जिनके नाम नहीं ले पाऊं उनको नाराज नहीं होना है मैं जो है वो जितने मुझे आप दिखाई देते हो उतने मैं नाम ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करती हूँ फिर भी कोई छूट जाता है तो ज्यादा दिमाग पे मत लेना अपनी जो है वो स्टडी अपन करते हैं अब बात करते हैं मुर्गियों की नस्लों के बारे में तो मुर्गियों की नस्लों के बारे में अपन कुछ जनरल पॉइंट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं मुर्गियों का क्या वैज्ञानिक नाम होता है मुर्गी का कितने इसमें क्रोमोजोम नंबर पाए जाते हैं और क्या इसका जो है वो कुल पाया जाता है तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है मुर्गी का वैज्ञानिक नाम आता है गैलस डोमेस्टिकस वैसे गैलस गैलस है लेकिन गैलस डोमेस्टिकस नाम से ये फेमस होती है जंगली और पालतू मुर्गी गैलस गैलस और गैलस डोमेस्टिकस एक ही नाम से ज्यादातर इसको जाना जाता है गैलस डोमेस्टिकस के नाम से फिर बात करते हैं इसके क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं

गाय का वैज्ञानिक नाम बोस एंडिकस था दूसरा था भैंस का वैज्ञानिक नाम था बोबेलिस बुबेलिस था बकरी का वैज्ञानिक नाम कपरा हिरकस भेड़ का ओवेस हेरिस और मुर्गी का है गेलस डोमेस्टिकस इनमें क्रोमोजोम नंबर है गाय और बकरी के अंदर 60 थे भैंस के अंदर क्रोमोजोम नंबर 50 थे और इसके अलावा भेड़ है उसमें 54 थे और इसके अंदर क्रोमोजोम नंबर 78 आते हैं अब बात करते हैं कुल की गाय भैंस भेड़ बकरी का कुल होता है वो गोविडी होता है कैमल का कुल है कैमल होता है और मुर्गी का कुल है वो गेल चिड़ी और फेशियन होता है अब बात करते हैं अपन इसके अंदर मुर्गी पालन ये अपना टॉपिक है, है किसके बारे में, तो में देखें अपन तो मुर्गी वर्ग में पहले डेफिनेशन है मुर्गी वर्ग में वे सभी पक्षी आते हैं वे सभी पक्षी आते हैं जिन्हें अंडा या मांस उत्पादन हेतु जिन्हें अंडा या मांस उत्पादन हेतु पाला जाता है मांस उत्पादन हेतु पाला जाता है तो ये सिंपल सा पॉइंट है कौन कौन से पक्षी होते हैं जो मुर्गी वर्ग में आते हैं तो कौन कौन से पक्षी आते हैं जैसे एग्जाम्पल की अपन बात करें तो इसके अंदर आती है मुर्गी आती है एक तो मुर्गी वर्ग के अंदर फाउल इसे कहते हैं इसके अलावा इसके अंदर टर्की आती है वो टर्की भी एक तरह की मुर्गी होती है इसके अलावा बटेर आता है कलहंस आता है इस तरह के पक्षी होते हैं जो इसके अंदर आते हैं इसके अलावा जो है इसके अंदर और कई अदर तरह के एनिमल कबूतर है तीतर है इन जिन सभी को मांस या अंडा उत्पादन के लिए पाला जाता है वो सब क्या कहलाते हैं ये मुर्गी वर्ग में आते हैं अब मुर्गी वर्ग में इन सभी पक्षियों के बारे में अपने को नहीं पढ़ना है अपने सिलेबस में नहीं है अपन सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं मुर्गी के बारे में पढ़ते हैं मुर्गी की सारी नस्लें क्या क्या इसकी नस्लें पाई जाती हैं क्या इनका मैनेजमेंट किया जाता है कैसा इनके अंडे की संरचना होती है ये सारी चीजें अपन इसमें डिस्कस करते हैं अब अपन बात करें कि ये कुछ बच्चों के लिए ये नाम भी नए होंगे टर्की बटेर कलहंस क्या है मैम तो टर्की के बारे में बता दूं ये टर्की जो होती है एक तरह की मुर्गी होती है जो ये आपको जो ये इस फोटो में दिखाई दे रही है ये टर्की मुर्गी होती है इस टर्की मुर्गी का अंडा है वो अट्ठाईस दिन में परिपक्व होता है ये दोनों में डिफरेंस होता है इसको मुर्गी के अंडे के लिए पाला जाता है इसके अलावा दूसरा जो आता है बटेर टर्की बट के बाद में आता है बटेर बटेर जो है ये होता है बटेर किसको कहते हैं गूज होता है ये इसे बटेर कहा जाता है कलहंस सॉरी गूज जो है वो कलहंस को कहते हैं ये गूज होती है गीज या गूज के नाम से इसे जाना जाता है ये कलहंस होती है और ये बटेर होता है तो इस तरीके से इनके बारे में अपन पढ़ते हैं ये इतने जो है ये पक्षी इन सभी के बारे में जिनसे अंडा और मांस के लिए जिनको पाला जाता है वे सभी पक्षी वर्ग में आते हैं जिनमें से सिर्फ अपन मुर्गी के बारे में पढ़ते हैं यह सिंपल डेफिनेशन हो गई इसके बारे में मुर्गी के बारे में अब बात करते हैं अपन इसका अध्ययन क्या कहलाता है इससे संबंधित अनुसंधान संस्थान उनके बारे में डिस्कस करते हैं तो मुर्गियों का अध्ययन या पक्षियों का अध्ययन क्या, क्या कहलाता है पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है तो ऑर्डिथोलॉजी कहलाता है क्या कहलाता है ऑर्निथोलॉजी के नाम से इसे जाना जाता है जिसके अंदर पक्षियों के बारे में अध्ययन करते हैं पक्षी वर्ग के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसका अनुसंधान संस्थान कहां है तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान अनुसंधान संस्थान है इज्जत नगर केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है इज्जत नगर यूपी के अंदर है 1979 में इसका जो है वो रीज़न सॉरी इसका जो है 1979 में इसका जो है वो आ, इसका माना जाता है कि कब ये जो है वो बनाया गया था ये संस्थान है इसका कब स्थापना हुई थी तो 1979 में हुई थी ये केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है अगला अपन बात करते हैं नेक्स्ट Uh, मुर्गी के बारे में कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जैसे uh, जो है इसके बारे में अंडे के बारे में जनरल पॉइंट्स हैं Osionfish. इसके अलावा कैसे अंडे को सेया जाता है इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं अंडे के बारे में ज़्यादा पॉइंट्स तो नहीं अपन देखेंगे लेकिन कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो देखेंगे सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन है जब अपन अंडे की संरचना पढ़ेंगे तो उस टाइम मैं आपको डिटेल में बताऊंगी अंडे के बारे में कितना उससे प्रोटीन मिलता है कितना उससे जो है वो कार्बोहाइड्रेट मिलता है कितना कितना मात्रा में उससे जो है वो सारी चीज़ें मिलती है वो सारी अपन अंडे की संरचना में देखेंगे फिर अपन बात करते हैं इसके बारे में अदर जनरल पॉइंट क्या होते हैं तो सबसे पहले अपन बात करें मुर्गी का अंडा जो है वो कितने टाइम में परिपक्व होता है मुर्गी का अंडा का उद्भवन काल भी कह सकते हैं अपन अंडे का उद्भवन काल क्या होता है तो कितने टाइम में उद्भवन काल या इंक्यूबेशन जो है वो कितने टाइम का होता है 21 दिन का होता है 21 दिन इसका परिपक्वन में टाइम लगता है जब मुर्गी ने अंडा दिया उस टाइम इसका जो है वो परिपक्व नहीं होता है मुर्गी डायरेक्ट बच्चा नहीं देती है सिर्फ क्या देती है आ, जो है वो अंडा देती है मुकेश सिंह कह रहे हैं है, मैम नमस्ते बाड़मेर से वेरी गुड संतोष सैनी रॉयल उदयपुर की जय हो बिल्कुल जय हो आप लोगों की भी जय हो फिर देखते हैं मुकेश है अनिल कुमार है आर जे तेज चलिए ठीक है अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर आते हैं अगला आता है टर्की मुर्गी का अंडा टर्की मुर्गी जो है उसका अंडा है उसका उद्भवन काल है वो कितने दिन होता है 28 दिन होता है, 28 दिन दिन होता होता है 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 में टर्की मुर्गी का अंडा वो परिपक्व उद्भवन काल को पीरियड भी कहा जाता है जितने टाइम में इसका अंडा परिपक्व होता है उस टाइम को इंक्यूबेशन कहते हैं तो ये टर्की मुर्गी का अंडा परिपक्व होता है अब बात करते हैं मुर्गी के शरीर में अंडा बनने में समय कितना लगता है तो मुर्गी के शरीर में अंडा बनने में लगा समय मुर्गी के शरीर में अंडा बनने में लगा समय बनने में लगा समय कितना समय लगता है तो कितना समय लगता है चौबीस घंटे का समय लगता है मुर्गी का अंडा बनने के अंदर शरीर के अंदर फिर बात करते हैं अंडा जो है वो बाहरी रूप से किसका बना हुआ होता है तो अंडे का कवच है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ तो बेसिक बेसिक जानकारी अपन देख रहे हैं कवच है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जो कि 94 परसेंट भाग किसका होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है इसके अलावा अपन बात करें अंडा जो है वो उसके बारे में कुछ और अपन उसका भार देखते हैं तो अंडे का भार है अंडे का भार है वो अट्ठावन से साठ ग्राम होता है अठावन से साठ ग्राम अंडे का औसतन भार है वो पाया जाता है फिर बात करते हैं अंडे का पीलापन किसके कारण होता है अंडा पीले रंग का होता है अलग अलग मुर्गी की नस्ल के अनुसार अंडे का रंग अलग अलग होता है कुछ मुर्गियों में बिल्कुल प्योर व्हाइट कलर का होता है किसी के अंदर थोड़ा येलोइश कलर का क्रीम कलर का होता है किसी के अंदर ब्लैक कलर का होता है किसी के अंदर ब्राउन कलर का होता है वो अलग अलग नस्लों के अनुसार होता है कृष्ण यादव कह रहे हैं मैम कोट से दिल खुश मैम रटिया मस्त अवस्था को समझाओ रटिया मस्त अवस्था ऊंट के अंदर पाई जाती है एक बार देख लीजिए रटिया मस्त अवस्था होती है वो कैमल में पाई जाती है उनमें सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है मैटिंग की आ, जो क्रिया होती है उसके प्रति इच्छा होती है उसी को क्या कहा जाता है पशु के अंदर रटिया मस्त अवस्था कहा जाता है क्लियर हाँ अब अपन बात करते हैं अगर बच्चों समझ में आ रहा हो क्लास अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए लाइक कीजिए हाँ अब बात करते हैं अपन आगे अंडे का जो है कहाँ पे थे अपन आ, आ, अंडे का भार देख लिया था अंडे का पीलापन अपन देख रहे थे अंडे का पीलापन है वो किसके कारण होता है तो जैंथोफिल के कारण होता है अंडे का पीलापन है वो जैंथोफिल वर्णक के कारण होता है इसी के कारण येलो कलर का अंडा है वो दिखाई देता है फिर बात करते हैं अगली, अगली अपन और अलग क्या क्या इसके स्पेशल जो है वो इसके बारे में पॉइंट्स होते हैं अंडे के बारे में तो अंडे के ऊपर जो है वो क्या पाए जाते हैं वायु के आदान प्रदान के लिए गैसों के आदान प्रदान करने के लिए कुछ छिद्र पाए जाते हैं तो अंडे में कितने छिद्र पाए जाते हैं 600 से 800 गोल छिद्र होते हैं गोल छिद्र होते हैं ये बात हो गई अंडे से रिलेटेड कुछ रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट फिर और बात करते हैं अपन और क्या इसकी करेक्टर होती है तो अंडे से कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है तो एक अंडे से जो है वो 80 किलो कैलोरी मिल है एक अंडे से ऊर्जा कितनी ऊर्जा मिलती है तो 80 किलो कैलोरी ये एनर्जी उसको जो है वो एक अंडे से मिलती है इसके बाद अपन देखें कि एक वयस्क व्यक्ति है उसको कितने ग्राम प्रौ... एक वयस्क व्यक्ति को वयस्क व्यक्ति को 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है 60 ग्राम रिक्वायरमेंट होती है उसमें से जो है वो बीस ग्राम है वो पशु जनित होना चाहिए साठ ग्राम रिक्वायरमेंट होती है और इसमें से बीस ग्राम पशु जनित होना चाहिए पशु जनित में मुर्गी के अंडे से भी हो सकता है इसके अलावा मांस से भी हो सकता है दूध से भी हो सकता है किसी भी तरीके से जो है वो पशु से प्राप्त किया जा सकता है लेकिन वो ट्वेंटी परसेंट होना चाहिए बाकी का अदर जो है वो वनस्पति जनित हो सकता है तो साठ ग्राम से टोटल ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी ग्राम है वो होना चाहिए फिर बात करते हैं अगला अपन मुर्गी के अंडे आ, जो है वो कब से आ जाता है इसके लिए बेस्ट टाइम क्या होता है तो मुर्गी के अंडे सेने का समय है मुर्गी के अंडे सेने का उपयुक्त समय अंडे सेना मतलब होता है हैचिंग करना उसके ऊपर मुर्गी बैठकर जो है वो अपने बॉडी की हीट देती है शरीर से गर्मी देती है जिसके कारण अंडा है उसको एक उचित तापमान मिलता है परिपक्व होने के लिए और अंडा जो है वो परिपक्व हो जाता है इंक्यूबेशन जिसे कहते हैं उसी को क्या कहा जाता है सेना कहा जाता है अंडे सेने का उपयुक्त समय क्या होता है उपयुक्त समय है वो फरवरी मार्च है कब किया जाता है बेस्ट टाइम फरवरी मार्च होता है इसके अलावा तो कभी भी जब मुर्गी अंडे देती है तब कर सकती है इसके बाद अपन देखते हैं जो अंडा होता है वो नेचुरल मेथड से तो फरवरी मार्च में इसको किया जा सकता है लेकिन अंडे की गुणवत्ता की जांच की जाती है अंडे की गुणवत्ता की जांच कब की जाती है और कैसे की जाती है गुणवत्ता की जांच किसके द्वारा करते हैं कैंडलिंग के द्वारा करते हैं कैंडलिंग में देखो नाम से ही पता चलेगा अपने को कैंडलिंग द्वारा की जाती है कब की जाती है तो सातवें और चौदहवें दिन करते हैं इसकी गुणवत्ता की जांच इनमें क्या करते हैं इस तरीके से एक लकड़ी का बॉक्स लिया जाता है इस बॉक्स पे क्या होता है ऐसा छिद्र होता है जिसके ऊपर क्या रख दिया जाता है अंडा रख दिया जाता है नीचे इसके अंदर क्या करते हैं कैंडल जला देते हैं या तो कैंडल जला देते हैं कैंडल जलाने का मतलब यहाँ पर है इसमें लाइट कर दी जाती है इसमें उजाला कर दिया जाता है प्रकाश लगा दिया जाता है जिसके लिए या तो ब्लब भी जला सकते हैं या फिर इसमें कैंडल भी जला दी जाती है और यहां से जलाने के बाद क्या होता है इस बॉक्स का जो है वो पूरा अंदर से पैक होता है इसके अंदर बिल्कुल लाइट दिखाई देती है जिसके कारण अंडे के अंदर की स्थिति जो है वो क्लियर दिखाई देने लग जाती है अंडा कुछ इस तरीके से दिखाई देने लग जाता है कि अंडे के अंदर जो है वो पूरी मात्रा में जर्दी बीच में स्थित होती है इसके अलावा उसके अंदर भ्रूण जो है चूजा जो है उसका विकास कुछ इस तरीके से हो रहा है तो अपने को पता चल रहा है कि इसके अंदर चूजे की स्थिति कैसी है तो इससे ये जो जांच की जाती है इसे क्या कहा जाता है कैंडलिंग कहा जाता है जांच सातवें और चौथवें दिन की जाती है और 21 दिन में अंडा परिपक्व होता है इसमें क्या पता चलता है इसको देखते हैं अगर प्रकाश के अंदर किसी भी चीज को देखा जाए अंडे की बात छोड़ो आप एक टोर जलाकर आप अपना हाथ उसके ऊपर रख लो और ऊपर से देखो आपको हाथ में से आपकी जो भी नशे हैं वो सारी इस तरीके से क्लियर दिखाई देती है तो उससे क्या होता है अपने को पूरा अंदर की चीज क्लियर दिखाई देने लग जाती है कितनी कितनी आपके नशे हैं सारी गिन सकते हो आप वैसे ही ये होता है इसके अंदर प्रकाश जलाने से इसके अंदर की सारी स्थिति क्लियर दिखाई देती है मान लो इसके अंदर ये जो चूजा है वो किसी सतह से चिपका हो यहाँ पर चिपका हो या फिर इसके अंदर कोई ब्लड स्पॉट हो अंडे के अंदर तो क्या समझा जाता है कि इसके अंदर चूजा मर गया है या फिर ये अंडा जो है वो पिचक गया है डैमेज हो गया है जिसके कारण चूजे की स्थिति सही नहीं है और उन अंडों को अलग कर दिया जाता है तो यही जो है मेथड क्या कहलाता है कैंडलिंग कहलाता है नेचुरल मेथड से तो क्या होता है मुर्गी अपने आप मुर्गी को पता चल जाता है जैसे आपने देखा होगा अः कोई घोसला होता है किसी भी पक्षी का अगर उसके अंदर अंडे रखे हुए और आप उस अंडे के हाथ लगा देते हो उसको हाथ में पकड़ कर देख लेते हो तो क्या होता है जब वो पक्षी होता है उस अंडे को गिरा देता है अगर आपने सॉफ्टली टच किया है तो वो बिल्कुल सही रहता है लेकिन अपन टाइट अगर उसको पकड़ लेते हैं तो अंडे के अंदर जो चूजा होता है सॉफ्ट होता है वो मर जाता है तो नेचुरल मेथड से तो पक्षी उसको खुद रि, ही रिमूव कर देते हैं लेकिन जब आप कृत्रिम विधि से अगर अंडे से रहे हैं तब यह जाता है जिसे कैंडलिंग मेथड कहा जाता है अब अपन बात करते हैं ये हो गई कैंडलिंग मेथड फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस कैंडलिंग के अलावा आता है हरद्यांश मिश्रा सेवन टू फोर्टीन सेवन टू फोर्टीन डेज नहीं है एक तो सेवन डेज पर की जाती है दूसरा जो है वो फोर्टीन डेज पर किया जाता है टोटल ट्वेंटी वन डेज लगते हैं Uh, act के है, है, वो uh, 21 days का होता है, जिसके अंदर first timing उसकी जो uh, जांच की जाती है, उसकी टेस्टिंग करते है, वो अगला अपन बात करते हैं नेक्स्ट इसकी और क्या कैरेक्टर्स होती है किन कैरेक्टर्स के कारण इसको जाना जाता है तो इसके बारे में अपन बात करें ये जो uh, मुर्गी होती है मुर्गी सॉरी मुर्गी का जो मांस होता है उसे क्या कहा जाता है तो मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं पहले ही अपन पढ़ चुके हैं मुर्गी के मांस को चिकन या सफेद मांस कहते हैं चिकन तो कहते ही हैं लेकिन इसको सफेद मांस के नाम से भी जाना जाता है अन्य पशु का मांस है वो लाल मांस कहलाता है सिर्फ मुर्गी का मांस सफेद मांस कहलाता है फिर बात करते हैं इसके अंडे सेने से संबंधित जानकारी के बारे में अपन पता करते हैं मैम प्रोटीन की मात्रा बताऊंगी प्रोटीन प्रोटीन सारी चीजें मैंने आप क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया था ये अपन बेसिक जानकारी पढ़ रहे हैं जब अपन अंडे की संरचना पढ़ेंगे तो उस टाइम क्लियर बताऊंगी कि कितना परसेंटेज में श्वेतक पाया जाता है कितनी जर्दी पाई जाती है इसके अंदर येलो कलर का पार्ट क्या कहलाता है विद डायग्राम आपको आपको तो बताऊंगी अभी के लिए ये टॉपिक अपना थोड़ा लंबा हो जाएगा सिर्फ अपन ब्रीड्स पढ़ रहे हैं इसलिए सिंपल सिंपल सी जानकारी है मैं इसके बारे में दे रही हूँ अब अपन बात करें कहाँ पर थे मुर्गी के अंडे सेने से रिलेटेड थे तो मुर्गी का अंडा दो तरीके से सेया जा सकता है एक तो प्राकृतिक विधि से से सकते हैं सेने का मतलब बता दिया था मैंने आपको उचित तापमान देना है प्राकृतिक विधि से कौन करता है अंडे सेने का काम कुड़क मुर्गी करती है कुड़क मुर्गी आठ से दस अंडे सेने का कार्य एक साथ कर सकती है आठ से दस अंडे सेने का कार्य एक साथ कर सकती है यह इसकी इतनी कैपेसिटी होती है तो ज्यादा अंडे सेने के लिए क्या करते हैं मशीन काम में लिया जाता है तो कृत्रिम विधि से कृत्रिम विधि से इनक्यूबेटर मशीन में किसमें किया जाता है इंक्यूबेटर मशीन में इंक्यूबेशन से ही मशीन का नाम है इंक्यूबेटर मशीन में मशीन में तीन हजार अंडे एक साथ से जा सकते हैं अंडे एक साथ से जा सकते हैं ये इसके बारे में याद करते हैं अपन आ, जो नेचुरल मेथड है उससे तो आठ से दस अंडे एक साथ से जा सकते हैं जबकि जो है वो कृत्रिम विधि या आर्टिफिशियल मेथड से तीन हजार अंडे एक साथ से जा सकते हैं इंक्यूबेटर मशीन है मैं थोड़ा सा इमेज लाना भूल गई हूं अभी मैं आपको दिखा देती हूँ इंक्यूबेटर मशीन कैसे दिखाई देती है सीधा सर्च कर लेते हैं इंक्यूबेटर मशीन है वो किस तरीके की होती है ये देखिए इंक्यूबेटर मशीन है एग इनक्यूबेटर है वो इस तरीके का दिखाई देता है ये देखो इस तरीके से अलग अलग शेप की अलग अलग मशीनें होती हैं जिसके अंदर इस तरीके से ट्रेक दिखाई दे रही है इनके अंदर अंडों को रख दिया जाता है और टेम्परेचर सेट कर दिया जाता है टेम्परेचर सेट करने के लिए क्या करते हैं इसके अंदर जो है वो ये मशीन होती है तो इस तरीके से यहां पर टेम्परेचर सेट कर देते हैं फर्स्ट uh, डे जो है इसके अंदर फर्स्ट से लेकर लास्ट के तीन दिन से पहले लगभग अठारह दिन तक जो है वो हंड्रेड डिग्री फॉरन नाइट टेम्परेचर रखा जाता है और लास्ट के तीन दिन में तापमान कम कर दिया जाता है ये फोटो आपको दिखाई दे रही होगी इसके अंदर जो है इस तरीके से मुर्गी के अंडे को जो है वो रखा जाता है फिर अपन बात करते हैं इसका तापमान से रिलेटेड अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे आ जाते हैं अपन पे थे इनक्यूबेटर मशीन से से जा सकते हैं अब इनक्यूबेटर मशीन का तापमान और ये सब चीजें देख लेते हैं तो देखिए इंक्यूबेटर मशीन का तापमान इंक्यूबेटर मशीन का तापमान 100 डिग्री फॉरनाइट रखा जाता है और अंतिम तीन दिन तापक्रम है वो कम कर दिया जाता है अगर ज्यादा तापमान होगा तो क्या होगा चूजे जो है उसके अंदर मर जाता है और इसी के कारण अंतिम तीन दिन तापक्रम है वो कम कर देते हैं अंतिम तीन दिन ताप तापमान तापक्रम है वो पिचानवे से अठानवे डिग्री फॉरनाइट कर दिया जाता है मशीन की आर्द्रता कितनी रखी जाती है मशीन की आर्द्रता है वो सिक्सटी डिग्री सिक्सटी परसेंट रखी जाती है आर्द्रता है इसके कारण क्या होता है चूजों में नमी बनी रहती है उनमें ड्राइनेस नहीं आती है इसी के कारण सिक्सटी परसेंट इनमें आर्द्रता रखी जाती है अब बात करते हैं अपन इससे रिलेटेड और कई तरह की चीज़ें होती हैं जो अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं उनके लिए कितने टाइम प्रकाश की आवश्यकता होती है तो अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए प्रकाश की आवश्यकता मुर्गियों हेतु प्रकाश मुर्गियों हेतु प्रकाश कितना चाहिए 1416 घंटे है वो मुर्गियों के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है एक मैंने बताया था आपको मुर्गियों को जो है वो पाचन शक्ति ठीक बनाए रखने के लिए ग्रिट खिलाए जाते हैं ग्रिट क्या होते हैं ग्रिट कैसे होते हैं तो मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े खिलाए जाते हैं उन्हें ग्रिट कहा जाता है और उन ग्रिट को पचाने के लिए इनके अंदर क्या पाया जाता है मुर्गी के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है के शरीर का सबसे बड़ा अंग सबसे बड़ा अंग है गिजाड़ सबसे बड़ा अंग है गिजाड़ इसके कारण ये क्या करता है इसके अंदर जो ग्रिट होती है उनको आसानी से पचा देता है इसी के कारण इनको ग्रिट खिलाए जाते हैं फिर बात करते हैं इसके अंदर जो है इसका आ, मुर्गी की औसतन उम्र क्या होती है वो अपन भूल गए हैं तो मुर्गी की औसतन उम्र अपन देख लें मुर्गी लगभग चार साल की होती है मुर्गी की औसतन उम्र है औसतन उम्र है वो चार साल होती है कई बार चार से पांच साल भी आती है तो अपने को याद रखना है चार पांच के बीच में एवरेज इसकी उम्र है वो पाई जाती है फिर बात करें अपन इसके बारे में जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज है वैसे तो इसकी मेजर डिजीज है उनके बारे में अलग से अपन टॉपिक आएगा डिजीज का उसके अंदर देखने वाले हैं लेकिन इसी के साथ में अपन देख लेते हैं जो कॉमन जनरल डिजीज है जो ज्यादा डिटेल में तो अपने सिलेबस में नहीं है तो वो अपन देखें तो अंडों के माध्यम से चूजों में फैलने वाली बीमारी अंडों के माध्यम से चूजों में फैलने वाली बीमारी चूजों में फैलने वाली बीमारी कौन सी होती है ये होती है ल्यूकोसिस फैलने वाली बीमारी है ल्यूकोसिस ये ल्यूकोसिस होती है चूजों में फैलने वाली बीमारी इसके बाद अपन बात करते हैं मैग्नीज की कमी से इसके अलावा जिंक की कमी से कौन कौन से रोग पाए जाते हैं तो मैग्नीज की कमी से मुर्गी के अंदर जो है वो मैग्नीज की कमी से कौन सा होता है मैग्नीज की कमी से पैरोसिस होता है कमी से पैरोसिस हो जाता है और जिंक की कमी से पैराकीटोसिस हो जाता है ज्यादा डिटेल में इन दोनों के बारे में तीनों के बारे में जान रखने की जरूरत नहीं है सिर्फ नाम नाम याद रखें इतना ही काफी है इतना ज्यादा ब्रीफ में अपने सिलेबस में नहीं है मैग्नी जिंक की कमी से कौन सा हो रोग होता है पैराकीटोसिस होता है पैरा पैरोसिस और पैराकीटोसिस दोनों अलग अलग होते हैं फिर बात करते हैं मुर्गियों के अंदर जो है वो उसकी पूर्ति के लिए किसकी पूर्ति के लिए रेशे की पूर्ति के लिए और विटामिन ए की पूर्ति के लिए क्या दिया जाता है मुर्गियों को विटामिन ए तथा रेशे की पूर्ति के लिए क्या देते हैं इनको पालक और बरसीम और रिजके का चारा खिलाया जाता है पालक रिजका और बरसीम का चारा इनको दिया जाता है ताकि इनके अंदर जो है वो रेशे की पूर्ति हो जाती है इनका जो है वो विटामिन ए की भी अच्छे से पूर्ति हो जाती है ये इनके बारे में कुछ जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं एक और विशेष मेजर पॉइंट आता है जिन मुर्गियों से मुर्गियों के अंडे के बारे में कई तरह से बच्चे क्वेश्चन करते हैं मैम पहले अंडा आया मुर्गी आई तो वो क्वेश्चन का जवाब तो मेरे पास नहीं है लेकिन जो चीज अपने यहां पर अपने काम की है जैसे मुर्गियों से जो है वो चूजा कब निकलता है क्या सभी मुर्गे खाने वाली क्या सभी अंडे जो है वो खाने वाले अंडे होते हैं या सभी अंडे हैं जिनसे मुर्गी निकलती है तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं तो उनके बारे में मैं, मैं आपको बता देती हूँ कि अंडे दो तरीके के होते हैं एक तो फर्टाइल एग होते हैं अंडे जो है दो प्रकार के होते हैं एक तो जो है वो निषेचित अंडे होते हैं और एक अनिषेचित अंडे होते हैं निषेचित अंडे और अनिसेचित अंडे ये दो प्रकार के अंडे होते हैं निषेचित अंडे को उर्वर अंडे भी कहा जाता है फर्टाइल एग भी कहते हैं और जो जोर अंडे होते हैं इन्हें अंडे या इनफर्टाइल एग भी कहा जाता है या फिर इन अनिषेचित अंडों को शाकाहारी अंडे या खाने वाले अंडे भी कहते हैं शाकाहारी या खाने वाले अंडे कहा जाता है तो ये दो तरीके के अंडे होते हैं निषेचित और अनिषेचित जो निषेचित अंडे होते हैं इनसे चूजे प्राप्त किए जा सकते हैं और ये जो अनिषेचित अंडे होते हैं इनसे चूजे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब ये कैसे कैसे प्राप्त किए जाते हैं जब दस मुर्गियों के साथ दस मुर्गियों के साथ एक नर रखा जाता है एक नर रखते हैं रखने पर कैसे चूजे कैसे अंडे प्राप्त होते हैं तब निषेचित अंडे प्राप्त होते हैं जब मुर्गियों के साथ मुर्गा नहीं रखा जाता है तब खाने वाले अंडे प्राप्त किए जाते हैं तो ये याद रखना पूछा जाए मुर्गियों और मुर्गे का अनुपात कितना रखते हैं तो दस अनुपात एक के रिश्व में इनको रखा जाता है जिससे फर्टाइल लैग है वो प्राप्त किए जा सकते हैं अब फर्टाइल किस तरह से इसके अंदर कौन सा ऐसी जर्म डिस्क पाई जाती है जर्म स्फोट पाया जाता है ये सारी डिटेल जब अपन अंडे की संरचना पढ़ेंगे तो उस टाइम डिटेल में विद इमेज आप देखेंगे यहां के लिए इतना ही एनएफ है अपने लोगों के लिए अब अपन अपनी नस्लें स्टार्ट करते हैं नस्लों के बारे में पढ़ने से पहले अपन देखते हैं नस्लों के बारे में पढ़ने से पहले चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से लाइक कर दीजिए चूरू से सुनील मैम आप इतना मोटिवेशन देते हो कब सोना चाहिए कब उठना चाहिए जब आपकी मर्जी हो जब आपका पढ़ने का मन करे तब आपको पढ़ना चाहिए अगर किसी और के टाइम टेबल से पढ़ोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ पाओगे बोर हो जाओगे इसीलिए अपना टाइम टेबल बनाओ अपने सिद्धांत बनाओ आपको तो कब पढ़ना है कब आपको खेलना है कब क्या चीज़ करनी है सारी चीज अगर अपना टाइम टेबल बनाओगे आपके मन से टाइम टेबल बनाओगे तभी उसको फॉलो कर पाओगे तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि अपना टाइम टेबल बनाए जब आपके लिए जो टाइम आपके लिए सुटेबल हो उस हिसाब से आप पढ़ाई करें अनिशित हाँ बाजार में अनिश्चित अंडे बोलते हैं तो जो भी अंडे खाते हैं वो कैसे अंडे खाते हैं? शाका अंडे खाते हैं उनके अंदर जीव नहीं पाया जाता उदयपुर से मैम मैं भी लोगार भाई लक्ष्मण हेलो, हेमंत लाइक करो बच्चों, वेरी गुड बहुत अच्छा भूपेंद्र डांगी मैम रिप्लाई में प्लीज रॉयल ऐप में ट्वेल्थ का कोर्स परचेज करने पर समझ नहीं आता है प्लीज बताएं बेटा मैं यहाँ पर ये यह जानकारी नहीं दे सकती हूँ रॉयल के जो नंबर है ऐप के उन पे आप देख लेना अभी जो है ये कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं नीचे देखो इसमें आ, इसके अंदर दिए हुए हैं चैटिंग में ही तो आप इनको जो है इन पे नंबर पर कॉल करके पूछ लेना हाँ गुड इवनिंग सुपर मनीष भरत सोहन अजीत हाँ वेरी गुड इवनिंग राधे राधे अब बात करते हैं अपन मुर्गियों की नस्लों के बारे में मुर्गियां जो है उनको दो श्रेणी में विभाजित किया गया है एक तो इनको श्रेणी के आधार से देखें अपन या फिर इनको अपन देखते हैं कि इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है अलग अलग इनकी एक तो उपयोगिता के आधार पर किया गया है दूसरा इनको जो है वो उनकी उत्पत्ति स्थान के आधार पर किया गया है उपयोगिता और उत्पत्ति स्थान के आधार पर कैसे कैसे इनको डिवाइड किया गया है उत्पत्ति स्थान के आधार पर इनको दो श्रेणियों में उत्पत्ति स्थान के आधार पर और दूसरा है वो उपयोगिता के आधार पर क्या इनकी उपयोगिता है क्या इनका उत्पत्ति स्थान है उत्पत्ति स्थान के अंदर दो तरह की नस्लें आती हैं एक तो देसी या भारतीय मुर्गियां आती हैं जिनका ओरिजिन प्लेस भारत में आता है विदेशी मुर्गियां होती हैं वो विदेशी नस्लें होती हैं इनका ओरिजिन प्लेस विदेश में आता है तो इस तरीके से दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है फिर उपयोगिता के आधार पर इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तीन पार्ट्स कौन कौन से सबसे पहली आती है जो अंडे उत्पादन के लिए पाली जाती है दूसरी मांस उत्पादन के लिए पाली जाती हैं और तीसरी आती है जो द्वीप योजनी होती है जिनको अंडा और मांस दोनों के लिए पाला जाता है यहाँ पर गाय भैंस वाला मत याद रख लेना कृषि कार्य और भार उठाने के काम में यहाँ पर अंडा और मांस की उपयोगिता है तो इस तरीके से तीन भागों में इनको डिवाइड किया गया मैम ये सुपरवाइजर में भी है बिल्कुल है सुपरवाइजर में पूरा कोर्स है जो आपके इलेवंथ और ट्वेल्थ का कोर्स है वो पूरा का पूरा कोर्स आपके सुपरवाइजर के कोर्स में है सारी चीजें वही पढ़ा रही हूं मैं सारा का सारा एनिमल हस्बेंड्री में ऐसा एक कोई भी एक टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ जो आपके इन चारों एग्जाम में इनमें से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं सभी एग्जाम में इनमें से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मस्त रहें आप जो चीज पढ़ा रही हूँ वो साथ का साथ घोट लो बस हाँ अब बात करते हैं अपन हम्म पे थे अपन ये जो श्रेणियां थी इनके आधार पर थे उत्पत्ति स्थान के आधार पर दो भागों में देसी और विदेशी और उपयोगिता के आधार पर अंडे मांस और देसी और विदेशी के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके बारे में अपन देख लेते हैं कि कौन कौन सी नस्लें हैं वो अंडे उत्पादन वाली है कौन सी मांस वाली और कौन सी द्वीप्रयोजनी अंडे के अंदर लिखिए लैगहोन मिनोरका और एनकोना मिनोरका और एन को ना आती है इसके बाद अपन मास उत्पादन वाली देखते हैं तो मास उत्पादन में कौन कौन सी नस्लें आती है तो ब्रह्मा लैंगसेन असील लैंगसेन असील और मुख्य रूप से प्लाई माउथ यह प्रमुख मुर्गियां हैं जो किस में आती है मांस उत्पादन में आती है नेक्स्ट अपन बात करते हैं द्विप्रयोजनी नस्लों की द्विप्रयोजनी नस्लों में आती है डोरकिंग न्यू हैम्पशायर और रोड आइलैंड रेड रोड आइलैंड रेड ये कुछ प्रमुख नस्लें हैं जिनके नाम अपन ने देख लिए हैं बस इतने याद रखें बाकी की जो डिटेल में है उनके बारे में अपन देखेंगे तो इतने नाम आपको याद रख लेने हैं अब बात करते हैं अपन उत्पत्ति स्थान के आधार पर इनके बारे में ज्यादा अपन डिटेल में पढ़ेंगे सिलेबस में दे रखा हो या नहीं दे रखा हो लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई इसमें से ध्यान रखना अब अपन बात करते हैं इनके बारे में जो नस्लें हैं उनको विथ ट्रिक अपन देख लेते हैं इनके क्या क्या नाम है कौन कौन सी नस्लें हैं विद इमेजेस सबके बारे में अपन देखेंगे तो सबसे पहला अपन बात करते हैं भारतीय नस्लों के बारे में जो डिवाइड किया गया है इनको उत्पत्ति स्थान के आधार पर भारतीय या देसी नस्लें इंडियन ब्रीड्स हैं वो कौन कौन सी होती है वैसे तो जो है वो इंडियन ब्रीड्स हैं उनके अंदर खूब सारी ब्रीड आती है भारतीय नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है उसके अनुसार भारत में मान्यता प्राप्त नस्लें हैं मुर्गियों की वो उन्नीस नस्लें हैं लेकिन सारी उन्नीस नस्लें अपने ज्यादा विशेष याद नहीं रखनी है इनमें से चार प्रमुख नस्लें आती हैं जिनके बारे में अपन देखेंगे तो चार प्रमुख नस्लों के नाम कुछ इस तरीके से हैं जिनको एक ट्रिक से अपन आसानी से समझ सकते हैं पहले अपन इनके नाम देख लेते हैं तो इसमें आती है असील दूसरी आती है चटगांव तीसरी आती है कड़कनाथ और फोर्थ आती है घागस वैसे तो उन्नीस नस्लें हैं लेकिन मैं चार को ही नाम आपको लिखा रही हूं क्योंकि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुख्य रूप से असील कड़कनाथ वेरी गुड लेखराज अभिषेक गुड क्लास थैंक यू यूपी सी टेट एग्जाम में भी है सभी के अंदर है बच्चों मैम असील मुर्गी लड़ाई के लिए पाली जाती है बहुत अच्छा बहुत अच्छा अब अपन बात करें इनको याद कैसे रख सकते हैं कि ये भारतीय नस्लें कहीं मिक्स हो गई तो, तो इनको याद रखने के लिए छोटे से सुंदर से ट्रिक है आपके ट्रिक है अपने घर की असली कड़क चटनी घर की असली कड़क चटनी कड़क चटनी तो इस तरीके से इस एक लाइन से आप अपनी घर वाली भारतीय नस्लें याद रख सकते हैं भारत अपना घर है अपना होम होम जगह है तो इसी के कारण अपन याद रखेंगे घर की तो घर से आने वाली कौन सी नस्लें आ जाएंगी अपने भारतीय या देसी नस्लें हैं अब दोबारा से अपन इस घर के बारे में याद रखें तो घर से अपने कौन सी नस्ल आती है पहली नस्ल आती है घागस घर से कौन सी आती है एक तो याद रखें भारतीय नस्लें दूसरी घर से घागस याद रखें फिर आती है असली से अपने दूसरी नस्ल आती है असील असली से आती है असील थर्ड बात करते हैं कड़क से आती है कड़कनाथ कड़क से आती है कड़कनाथ और चटनी से आती है चटगांव चटनी से अपनी नस्ल आती है चटगांव आसानी से इजीली आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक को काले मास के लिए कड़कनाथ बहुत अच्छा घर की असली कड़क चटनी यह अपने छोटे से ट्रिक है इससे आप ग, इसकी जो भारतीय नस्लें हैं उनकी चारों नस्लें हैं उनको आसानी से याद रख सकते हैं क्लास पता करने के लिए जो यूट्यूब चैनल है उस पर कम्युनिटी है वहां पर जाके आप यूट्यूब की जो भी क्लासेस होती हैं उनके बारे में चेक कर सकते हैं यूट्यूब पर कम्युनिटी है वहां पर जाकर सारी क्लासेस का टाइम टेबल चेक कर सकते हैं हाँ चलिए देखिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा मनोज कह रहे हैं थैंक यू हाँ ये भारतीय नस्लें हैं इनको स्ट्रिक से याद रख सकते हैं अब बात करते हैं अपन दूसरी नस्लें दूसरी आती है विदेशी नस्लें दूसरी नस्लें कौन सी है विदेशी नस्लें विदेशी नस्लें हैं उनको पांच भागों में क्लासिफाइड किया गया है पांच भागों में कैसे क्लासिफाइड किया गया है तो देखिए मैं बता देती हूं फर्स्ट आती है इसमें एशियाटिक नस्लें तीन चार और ये पांच वर्ग पांच वर्ग बनाए हैं पहला वर्ग आता है उसमें आती है एशियाटिक वर्ग एशियाटिक वर्ग की नस्लें दूसरा आता है एशिया क्या लिखा गया एशियाटिक वर्ग दूसरी आती है वो आती है एशियाटिक वर्ग के बाद में इंग्लिश इंग्लिश वर्ग की नस्लें इंग्लिश वर्ग थर्ड आता है अमेरिकन वर्ग आता है फोर्थ आता है मेडिटेरियन वर्ग मेडिटेरियन वर्ग है वो इंग्लिश में नाम है इसे हिंदी में जो है वो भूमध्य सागरीय के नाम से जाना जाता है मेडिटेरियन को हिंदी में कहते हैं भूमध्य सागरीय ये मैंडेटेरियन क्लास हो गई और पांचवी क्लास आती है पॉलिश क्लास पॉलिश वर्ग आता है इस तरीके से पांच भागों में इनको कैटेगराइज किया गया है अब इनके अंदर अपन देखते हैं कि कौन कौन सी नस्लें आती हैं कितनी नस्लें आती हैं कैसे अपन उनको विद ट्रिक याद रख सकते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एशियाटिक नस्लों की एशियाटिक नस्लें हैं इसमें तीन ब्रीड आती हैं तीन ब्रीड के पहले मैं आपको नाम बता देती हूँ फिर ट्रिक देख लेंगे अपन तो नाम इसमें आते हैं फर्स्ट अपन बात करें इसके नाम आते हैं तीन नाम आते हैं ब्रह्मा कोचीन व लैंगसेन ब्रह्मा कोचीन व लैंगसेन ब्रह्मा दूसरा आता है कोचीन थर्ड आता है लैंगसेन ये तीन नस्लें आती हैं जो एशियाटिक वर्ग में आती है डिटेल में तीनों से तीनों में से एक भी नहीं है अपने नाम लेकिन सबके हैं तो याद रखने हैं क्या आ गया ये बैक हाँ अपन हाँ. हाँ, अपन नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश वर्ग में पांच नस्लें आती हैं कैसे उन पांचों नस्लों को अपन याद रख सकते हैं तो उनके लिए भी छोटे सी ट्रिक है लेकिन उससे पहले अपन इन सबके नाम देख लेते हैं तो इंग्लिश वर्ग में आने वाली नस्लें हैं उसमें आती है रेड कॉर्नेस <coughs> रेड कॉर्नेस दूसरा आता है रेड कैप रेड कैप थर्ड आता है आर्पिंगटन फोर्थ आता है Ast ये क्या हो रहा है बार बार आर्पिंगटन फोर्थ आती है ऑस्टल आर्प और फिफ्थ आती है ससेक्स ये पांच नस्लें हैं जो इंग्लिश वर्ग की नस्लें हैं अभी इनके ट्रिक भी अपन देखेंगे फिर नेक्स्ट आती है अगली ब्रीड्स आती हैं जिसमें आती है अमेरिकन क्लास अमेरिकन क्लास में भी पांच नस्लें आती हैं पांचों नस्लों को कैसे अपन याद रख सकते हैं तो सबसे पहले अपन याद रखें न्यू हेम्पायर फिर आती है जर्सी ब्लैक ज्वाइंट दूसरी आती है जर्सी ब्लैक जॉइंट उसके बाद में आती है रोड आइलैंड रोड आइलैंड कलर इसका रेड होने के कारण रोड आइलैंड रेड हो गई फिर आती है प्लाई माउथ इसकी जो है वो आकृति इस तरीके से दिखाई देती है चट्टानों जैसे इसी कारण इसे प्लाई माउथ रोक कह दिया गया वैसे इसका शॉर्ट में नेम प्लाई माउथ आता है ये जो है नस्लें इसके अंदर आती है और एक नस्ल आती है वाइन डोट तो ये पांच नस्लें हैं जो अमेरिकन वर्ग की नस्लें हैं फिर अपन बात करते हैं मेडिटेरियन क्लास भूमध्य सागरी क्लास इसमें तीन नस्लें आती हैं जिसमें आती है फर्स्ट आती है, है लैगहोन इस लैगहोन का रंग व्हाइट है शरीर का रंग इसी कारण से व्हाइट लैगहोन कहते हैं जो सबसे ज्यादा जो है वो अंडा उत्पादक नस्ल है पूरे वर्ल्ड के अंदर दूसरा अपन बात करते हैं मिनोर का दूसरी आती है मिनोरका और थर्ड आती है मिनोरका और थर्ड आती है एनकोना तो इस तरीके से ये सारी ब्रीड्स आ गई और लास्ट वर्ग आता है जिसे पॉलिश क्लास कहा जाता है पॉलिश क्लास के अंदर कौन कौन सी नस्लें आती हैं तो इसके अंदर एक ही नस्ल आती है उस नस्ल का नाम ही पॉलिश क्लास से ही नाम उसका क्या है पॉलिश है तो इस तरीके से ये सारी नस्लें हैं इनको अपन याद रख सकते हैं बहुत अच्छा रणवीर पहले से क्लास लिए हुए हो लगता है चलिए अच्छा है याद रखें अब अपन ट्रिक के बारे में देखते हैं तो फर्स्ट ट्रिक आती है पहली ट्रिक आती है एशिया टिक की पहली ट्रिक है एशिया से ब्रह्मा जी को लेकर आए एशिया से ब्रह्मा जी को लेकर आए लेकर आए छोटी सी ट्रिक है आसानी से याद भी हो जाएगी इंटरेस्टिंग पॉइंट है आसानी से याद रख सकते हैं तो देखिए एशिया से ब्रह्मा जी को लेकर आए इससे अपने कैसे ट्रिक याद रख सकते हैं नस्ले कैसे याद रख सकते हैं तो एशिया से अपने कौन से वर्ग में आने वाली याद हो जाएगी एशियाटिक वर्ग में आने वाली ब्रह्मा नाम से अपनी एक नस्ल है उसका नाम ही ब्रह्मा है फिर है 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 को से आती है अपनी दूसरी नस्ल वो लेकर आए अपन याद रख सकते हैं लैंगसेन थर्ड नंबर से अपनी जो नस्ल है वो आती है लैंगसेन तो ये तीन नस्लें हैं आसानी से एक छोटे से ट्रिक से अपन याद रख सकते हैं मैम अमेरिकन वर्ग सभी बताएंगे अपन सारी चीजें अपने आएंगी प्रजनन के अंदर और सारी चीजें पढ़ाऊंगी बच्चों लेकिन एक साथ पढ़ाऊंगी मैं अलग अलग इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ ताकि जब जो है वो अलग अलग आप पढ़ोगे तो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे इसीलिए गिर जो गाय होती हैं उनके बहुत सारी नस्लें हैं अलग अलग नस्लों के प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं साथ ही उनके अनुसंधान संस्थान भी हैं सभी के अनुसंधान संस्थान है उनको अपन एक साथ पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे कंफ्यूजन भी नहीं होगा इसीलिए अपन एक साथ पढ़ने वाले हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट थे उनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है तो ज्यादा टेंशन नहीं ले सारी चीजें पढ़ाऊंगे अंकित उत्तराखंड से बहुत अच्छा वेरी गुड हाँ ट्रिक है मैम आप डॉक्टर मैम हो क्या वे जी हाँ मैं डॉक्टर हूँ मेरी पीएचडी चल रही है वेरी गुड अनुज है अपनी जो पर्सनल जानकारी है वो बाद में देखेंगे अपन. Second, जो ब्रीड आती है, उसके अंदर अपने कौन सी ब्रीड आती है इंग्लिश वर्ग की देखिए इंग्लिश वर्ग में कौन सी अपन याद रखें तो देखिए इसके लिए ट्रिक है इंग्लिश वाली इंग्लिश वाली आसारेडी की कैप आशा रेडी की कैप ऑस्ट्रेलिया से लाए कैप ऑस्ट्रेलिया से लाए तो ये अपनी छोटी सी ट्रिक है इंग्लिश वाली आशा रेडी की कैप ऑस्ट्रेलिया से लाए कैसे लाए तो सारी नस्लों के नाम देखिए इंग्लिश वाली से अपन याद रखेंगे इंग्लिश वर्ग में आने वाली नस्लें दूसरा है वो आसा से अपन याद रखेंगे आस्ट्र पहली नस्ल आती है ऑस्ट्राल या फिर आर्पिंगटन याद रख सकते हैं आर्पिंगटन ये आर्पिंगटन दूसरी आती है रेडी से आती है रेड कॉर्निस दूसरी नस्ल आती है अपने रेड कॉर्निस डिटेल में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे रेड कॉर्निस के बारे में थर्ड आती है कैप से आती है रेड कैप रेड कैप फिर नेक्स्ट आती है ऑस्ट्रेलिया से ओ से आती है ऑस्ट्रक और से, से आती है ससेक्स तो पांच नस्लें हैं पांचों नस्लों के नाम इस ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे इजीली अगर इससे अच्छा आपको आती है कोई और ट्रिक तो आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हैं तो ये अपना जो है वो ट्रिक हो गई सेकंड नस्लों की दूसरी तरह की नस्लें अब अपन थर्ड की बात करते हैं तीसरी जो ट्रिक आती है वो क्या आती है उसके अंदर आपको क्या याद रखना है तो थर्ड जो ब्रीड आती है वो अमेरिकन वर्ग आती है अमेरिकन वर्ग वाली नस्लों को अपन कैसे याद रख सकते हैं अमेरिका से बापू न्यू जर्सी फरीदनेरो प्लान बनाओ फरीदनेरो प्लान बनाओ आसानी से इन ट्रिक से आप इनको याद रख सकते हैं कैसे इसमें आने वाली पांच नस्लें हैं पांचों नस्लों को कैसे याद रखें अमेरिका से कौन से वर्ग में आने वाली याद हो जाएगी अमेरिकन वर्ग में फिर बापू से आती है वाइनडोट पहली आती है बापू से वाइनडोट फिर न्यू से आती है न्यू जर्सी सेकंड आती है न्यू जर्सी न्यू हेम्पायर और जर्सी से आती है जर्सी ब्लैक जॉइंट जर्सी से आती है जर्सी ब्लैक ज्वाइंट पांच नस्लें हैं तीन हो गई फिर रो से आती है रोड आइलैंड रेड रोड आइलैंड फिर नेक्स्ट आती है प्लान से आती है प्लाई माउथ प्लान से आती है प्लाई माउथ ये पांचों नस्लें हैं इस ट्रिक से इजीली आपको याद हो जाएंगी इस तरीके से आप अपने जो है इन सभी के नाम है वो याद रख सकते हैं अब बात करते हैं अपन इसके बारे में अदर जो अदर और ब्रीड बच गई है उनके अंदर एक और जो बच गई है उस वो अपने आती है मेडिटेरियन क्लास की मेडिटेरियन क्लास से भूमध्य सागर है उसे कैसे याद रख सकते हैं तो उसके लिए ट्रिक है मेटाडोर एम एल ए मेटाडोर एम एल ए कैसे याद रखेंगे मेटाडोर से मेडिटेरियन क्लास में आने वाली एम से फर्स्ट ब्रीड आती है मीनार का फर्स्ट ब्रीड आती है मीनार का दूसरी आती है एल से आती है लेगहोन एल से आती है लेगहन और ए से आती है एनकोना थर्ड आती है एनकोना तो ये तीनों ब्रीड इससे याद हो जाएगी इजीली आसानी से याद हो जाएंगे भूलोगे भी नहीं फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला पांचवा वर्ग आता है इसे पॉलिश वर्ग कहा जाता है पॉलिश क्लास आती है इसमें जो आने वाली नस्ल है उसका नाम ही एक की नाम है इस पॉलिश के नाम से ये पॉलिश नाम है वो सकल से भी ऐसे दिखाई देते हैं जैसे पॉलिश की हुई है प्रमोद बाद में बताऊंगी मैं आपको कौन से सब्जेक्ट से मेरी पीएचडी एच डी है आ, अभी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं फिर बताऊंगी हाँ अब ये देखिए ये पांच क्लास हैं जिनमें इनको डिवाइड किया गया है आसानी से इसके बारे में अपन याद रख सकते हैं तो ट्रिक अगर आपको अच्छी लग रही हो बच्चों तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा अपन और अच्छी चीजें हैं वो इनके बारे में पढ़ सके अब अपने जो ब्रीड्स बचती हैं ब्रीड्स काफ़ी थोड़ी सी ज़्यादा हैं, तो वो आज अपने हो नहीं पाएगी तो नेक्स्ट क्लास में है वो अपन इनकी ब्रीड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ब्रीड्स अपने सिलेबस में हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टर्स होती हैं ये सारी चीज़ें हैं वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे फिर जो है दिव्य दिव्यांशी कह रही है मैम बीसवीं पशुगणना भी करवा देना सारी करवा दूंगी बच्चों आप टेंशन मत लो सारी चीजें आपको ऊपर पढ़ाऊंगी सभी चीजें विद इमेजेस मैं आपको बताने वाली हूं तो कोई दिक्कत नहीं है हाँ इसके अलावा प्रमोद क्या पूछ रहे थे मैम आपकी पीएचडी कौन से सब्जेक्ट से है मेरी पी एक्सटेंशन एजुकेशन ऑफ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट से है जो अगला अपन बात करते हैं बता दिया मैंने संगीता एक्सटेंशन से चल रही है हाँ और किसी के कोई डाउट है चलिए तो नेक्स्ट चीज है नेक्स्ट ब्रीड्स है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे मुकेश चौधरी कह रहे हैं अजमेर की धरती से प्रणाम बहुत अच्छा खुश रहो बच्चों खुश रहो घर पे रहो ज्यादा से ज्यादा कोरोना का ध्यान रखो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो और अच्छा बहुत अच्छा मैम मैम आपकी पी एच डी एक्सटेंशन से चल रही है हाँ वही एक्सटेंशन से चल रही है बता दिया मैंने अब बार बार क्यों पूछ रहे हो हम्म चलिए थैंक यू बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे